भारतीय जनता पार्टी में से 5 साल पूरा एक्टिव ही रहती है, सिर्फ चुनाव पर ही हम लोग इकट्ठा होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अब चुनाव सर पे है और पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव की पार्टी तैयारियां कर रही है। उसी सिलसिले में आज पंजाब में भी 3 दिन तक हमारी बैठकें हैं और पंजाब में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की रणनीति और व्यवस्था हम लोग योजना बनाएंगे और लोकसभा चुनाव में पूरे संगठन को सभी कार्यकर्ता को हम जुटा रहे हैं। लड़ाई इस बार इंडिया के साथ लग रही है आपको, अलायंस के साथ लग रही है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के साथ अलग अलग लड़ाई लगने के लिए? वैसे तो इंडिया में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है ही, चुनाव की लड़ाई तो स्वाभाविक है कि उनके साथ ही होगी और पंजाब में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा, उसके सामने हमारा चुनाव रहेगा। बीजेपी का गठबंधन भी होगा सर? मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ कि अभी हम लोग 13-13 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है, देखेंगे आगे हमारे हाईकमांड क्या करेंगे। सर कोई कम्युनिकेशन किसी साथ हुई है ऐसा कुछ श्रोमणी अकाली दल के साथ, क्योंकि वहां पे जो नाराजगियां थी वो लीडर्स तो वापस आ रहे हैं पार्टी में और ये कहा जा रहा है कि संभावना आप जो है बीजेपी और देखिए संभावना तो संभावना शब्द ऐसा ही है, कुछ भी हो सकता है। सर आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल साहब को प्रचार से रोकना चाहते हैं इसलिए ईडी ने आज बुलाया है, ईडी के सामने आज केजरीवाल साहब पेश नहीं होंगे। देखिए ये आम आदमी पार्टी गलत प्रचार कर रही है, जिस तरीके से उन पर इल्जाम है और शराब के जो ठेके में उन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसके बारे में बताना चाहिए कि भाई वो लोग ने उसकी हम लोग उसमें से हमारा कुछ है नहीं ऐसा बताना चाहिए, उसके बदले ये पॉलिटिकल बात कर रहा है। इसका मतलब यही है कि जरूर ये सब लोग उनमें जुड़े हुए हैं और ये कानूनी कार्यवाही है, उसमें आगे बढ़ेंगे। सर क्या ये आपको यही लग रहा है पंजाब के मुख्यमंत्री इसीलिए मेडिटेशन के लिए 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, यही कारण हो सकता है? सर पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना है कि पंजाब के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है, कई पंड रोके गए हैं, झांकी भी नहीं निकाली। मैंने बताया कि सब जो वादे किए हैं वो वादे पूरे नहीं कर रहे हैं और सिर्फ बहाना बता रहे हैं। केंद्र सरकार सभी राज्यों के साथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसी तरीके से पंजाब के भी साथ काम कर रहा है, ये उनकी बहानेबाजी।